हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज हम सभी सॉल्व करेंगे हमारे सब्जेक्ट इंग्लिश की वर्कशीट प्रैक्टिस पेपर वन, क्लास फोर्थ की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चूज़ द करेक्ट आंसर। देयर आर डैश मंथ इन अ ईयर। बच्चों, एक साल में कितने मंथ होते हैं? 12, 10, 7। तो बच्चों, एक साल में हमारे 12 मंथ्स होते हैं। विच मंथ कम आफ्टर अप्रैल। बच्चों, अप्रैल के बाद कौन सा मंथ आता है? नवंबर, जून, मई। तो बच्चों, अप्रैल के बाद आता है मई। आई गो टू स्कूल इन। बच्चों, मैं स्कूल कब जाता हूँ? नाइट, इवनिंग या मॉर्निंग। बच्चों, सभी सुबह स्कूल जाते हैं तो यहाँ अपना आंसर आएगा मॉर्निंग। नेमिंग वर्ड आर कॉल्ड। बच्चों, किसी भी नेम को, जैसे नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इनके नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन, वर्ब और प्रोनाउन। तो बच्चों, इनको हम नाउन कहते हैं। विच फ्रूट इज़ रेड इन कलर। बच्चों, कौन से कलर फ्रूट का कलर रेड होता है? ग्रेप्स, मैंगो, एप्पल। तो बच्चों, अपना राइट आंसर होगा एप्पल। नेक्स्ट है बच्चों, स्ट्रेट ट्री और फॉल्स। प्लूरल ऑफ बॉक्स इज बॉक्सेस। बच्चों, बॉक्स एक होता है, बॉक्सेस बहुत सारे होते हैं, तो ये हमारा ट्री है। प्लूरल ऑफ दिस इज दोज। बच्चों, दिस का प्लूरल दोज होगा, ये भी हमारा ट्री है। टीथ इज अ सिंगुलर नाउन। बच्चों, टीथ हमारा सिंगुलर नाउन है। बच्चों, फॉल्स है ये, टीथ हमारा प्लूरल नाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दिसंबर इज नॉट अ नाउन। बच्चों, दिसंबर नाउन नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे फॉल्स। काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। बच्चों, काउ एक डोमेस्टिक एनिमल है, इसे हम घर में पालते हैं, दिस इज ट्रू। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज योर नेम। बच्चों, आप सभी अपना नाम लिखेंगे, जैसे मेरा नाम है रेणुका। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर यानी कि बच्चों, ए बी सी डी, इस तरह से आपको अल्फ़ाबेट में अरेंज करना है। सबसे पहले ए आता है, ए से कोई भी वर्ड नहीं है, बी, बी से भी नहीं है, सी, सी से है कॉट, सी ओ टी कॉट, सी के बाद डी, डी ओ टी डॉट, फिर उसके बाद एन ओ टी नॉट, एन ओ पी, फिर पी ओ टी पॉट, ठीक है बच्चों। राइट द नेम ऑफ एनी टू फेस्टिवल। बच्चों, किसी भी टू फेस्टिवल के नेम लिखेंगे, जैसे लिखेंगे यहाँ पे हम होली और दिवाली, ठीक है। नेम एनी टू नेमिंग वर्ड्स। बच्चों, टू नेमिंग वर्ड्स, कोई भी टू नेम्स आपको लिखना है, जैसे राम और पेन। राइट द नेम ऑफ एनी टू थिंग्स यू सी इन योर क्लासरूम। बच्चों, आप लोगों को क्लासरूम में क्या क्या देखने को मिलता है, तो कोई भी दो चीज़ों के आपको नाम लिखना है, जैसे ब्लैक बोर्ड और डस्टर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, पिक्टोरियल क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब देखिए बच्चों, द एप्पल इज, एप्पल कहाँ है? ऑन द बुक, बुक के ऊपर है। देयर डैश एन एप्पल ऑन द बुक। देयर इज एन एप्पल ऑन द बुक, बुक के ऊपर एप्पल है, ठीक है। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ एप्पल। बच्चों, एप्पल की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? एप्पल एक होगा, एप्पल्स बहुत सारी होगी। इसी तरह बुक एक होगी और बुक्स बहुत सारी होगी। द बुक इज डैश द टेबल। सॉरी, एप्पल, बुक कहाँ है? एप्पल के नीचे, द लिखेंगे, द बुक इज अंडर द एप्पल। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप सभी को अपनी वर्कशीट को सॉल्व करना है। आई होप बच्चों, आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट ज़रूर लिखकर बताएं कि आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाइए, रेड बटन दबाइए और सभी मेरे चैनल जारेडा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।